नजारा है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है डे वन इन मनाली, मतलब मेरा इनडायरेक्टली बोलूँ तो लुधियाना से ये, दिल्ली से ये डे थ्री है, ठीक है। और मनाली में ये हमारा रूम है, आप जैसे कि देख रहे हो पीछे मेरे, थोड़ा मेस्ड अप बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी मैं यहाँ से चेकआउट कर रहा हूँ। बिकॉज कल रात को ना यहाँ आते आते मुझे इतना लेट हो गया कि मुझे रास्ते में जो होटल मिला मैंने वो उठा लिया। तो ऐसे तो ये मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, रूम अच्छा है, बट मैं अभी थोड़ा आगे जाऊँगा यहाँ से ताकि वहाँ पर एक और कुछ नया रूम देख के। आज का स्टे है यहाँ पे, बट कल के लिए मैं सोच रहा हूँ रुकूँ या नहीं रुकूँ, बिकॉज आगे मोस्टली जो वेदर है उसके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि रास्ते खुले होंगे, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो फिलहाल आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, अपने घर के बाहर से व्यू, ठीक है। आई डोंट नो गोप्रो कितना जस्टिस करेगा, लेकिन व्यू देखो। ये देखो सामने व्यू, माउंटेन्स फुल वाइट हो चुके हैं यहाँ पे, और इधर भी अगर आपको दिख रहा है तो ये होटल है, होटल एवरग्रीन। तो आप लोग भी आ सकते हो। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ से आगे निकलते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे रुक रहे हैं, होटल का नाम ऑल्ट लाइफ करके कुछ तो है, हाँ ऑल्ट लाइफ। तो प्लान ये है, हमारा भाई आज बंकर में रहने वाला है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बंकर का। मेन तो यार बजट में आ रहा है 550 रुपीज़ ओनली, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसी में रहते हैं। कौन सा रूम है सर? 207। सॉरी। तो ये है अपने अंशुल भाई, ठीक है। थोड़ा बाहर निकालते क्या भाई, बाहर निकाल के फोटोस। तो आज अपने साथ है अंशुल भाई जो कि हिमाचल के हैं, और हम लोग यहाँ पे पहली बार मिले। सो बाइक नैना इज लुकिंग सुपर्ब। अब लग रही है कि भाई ये ट्रेल बाइक है, मतलब एडीवी है। एडीवी हमेशा गंदी होती है, सो देख रहे हो गंद गंद, इतनी गंद है ये। ठीक है अंशुल भाई, कैमरे में हाई कर दो एक बार। हेलो हेलो। सो अभी थोड़े फोटोज़ खींचते और ये इंस्टा पे डालेंगे ना। दो TR के खड़े होके सैडलिंग कर रही है, मजा आ रहा भाई। तो आई होप आप लोग को मजा आ रहा है। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अटल टनल की तरफ, जो कि हर बाइकर की ख्वाहिश है आज के डेट में। और सामने राइट हैंड साइड पे जो सीन दिख रहा ना भाई, अभी आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट हमारे भाई को बहुत खूबसूरत दिख रहा है, मज़ा आ गया भाई। तेरी भाई साहब सामने देखो वाटरफॉल कहाँ से आ रही है सर। मज़ा आ गया देख के भाई, हिमाचल बहुत खूबसूरत है भाई। ये देखो पानी कहाँ से आ रहा भाई, पुल देखो भाई,
ब्लास्ट, विंड ब्लास्ट, जबरदस्त वाला विंड ब्लास्ट। भाई आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग मज़ा आएगा यार, मेरे को तो ज़्यादा लग रहा है मज़ा आएगा, पर अब देखने का जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में हो ही नहीं सकता। और ये TRK को देखने का जो मज़ा है वो क्या सीन लग रहा भाई है, अभी मैं कितने बार वो करूँ मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन यहाँ पे हर एक चीज़ सीन है भाई। क्या हो रहा है, ब्लैक आइस जमा आगे, किस्मत ही खराब है भाई। कितना दूर है भाई यहाँ से, कितना दूर होगा, तो चल के भी नहीं जा सकते, बाइक लगा दें यहीं पे कहीं, चलो फिर है ना। चलो कोई नहीं भाई, अभी क्या कर सकते हैं, अभी अपना नसीब खराब है। ये इंस्टा निकाल लेता हूँ वहां से, इंस्टा निकाल। हाँ देखो जरा पीछे, क्या बोल रहे हो, टनल तक तो आइस नहीं होगी, वो सोच रहा है कि टनल के आगे जाएगा, तो एक मिनट खोलना भाई, गिर जाएगा कुछ, रुको इधर के, चलो मेरे पीछे चल करो ताके। यार बोलो अभी हम लोग यहाँ से आगे तक जाके देख रहे हैं, लेट्स सी। ओहो आ गए हम लोग अटल टनल, ये रहा बोर्ड। अभी किस्मत खराब है कि हम लोग अंदर नहीं जा पाएंगे शायद, पहुंच गए भाई अटल टनल। वेलकम टू बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अटल टनल रोहतांग पास। साथ में हो, क्या बोल रहे, तो गाइज ये है अटल टनल, यहाँ तक तो पहुँच गए। वैसे तो पुलिस वालों ने रुकाया है हम लोग को, बट भाई हिमाचल के हैं तो भाई ने थोड़ा कुछ तो कनेक्शन किया है अंदर। बूम बूम, OMG। हाँ भाई, मजा आ गया भाई।
भाई तुम्हारा भाई अटल टनल में बाइक चला रहा भाई। यार ठंडी लग रही है ना अंदर भी। OMG ये है अटल टनल, क्या बनाया है भाई, एक नंबर। ग्लव्स दे दो, ग्लव्स वो आगे वाले छोटे चेन में। अरे भाई इतनी ठंडी लगी, इतनी ठंडी लग गई ना भाई कि हाथ पूरे सिकुड़ गए। अभी ग्लव्स की सख्त जरूरत है, अब आएगा मजा विंटर ग्लव्स का। OMG भाई साहब, भाई क्या व्यू है यार। ओ शिट, वो देख क्या लग रहा है यार, ये फक मैन। भाई कमेंट में बताना कैसा लग रहा है आप लोग। सही है ना भाई, खतरनाक। अच्छा ये रास्ता जाता है रोहतांग पास को। अच्छा और ये रास्ता जुड़ता है अपना चंद्रताल लेक काजा स्पीति नॉर्थ और शिमला निकलता है ये वाला। हाँ, और ये ले तो अभी ये तो बंद है, ये तो बंद है पूरा, बर्फ में है ना वो, वही है ना वो। हाँ ये रास्ता सामने है, वो तो पूरा बर्फ है भाई, वो तो पुलिस वाले रुकने नहीं देते ना, थोड़ा आगे रुकते हैं ना। हाँ हाँ चलो, वो तो है बंद कर देने का ना ABS। हाँ विचुअल नहीं इनमें यार, यही तो दिक्कत है। क्या विचुअल नहीं इनमें, मतलब परमानेंट ABS स्विच ऑफ वाला बटन नहीं इसमें, ये देख इधर। हाँ पता है मेरे भाई, मैगी वैगी खाते हैं, मैगी वैगी खाते हैं। आगे चलते खाते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ मेरा तो यहीं पे मन भर गया भाई, बहुत बढ़िया भाई। ये वाला व्यू जो मिल गया ना, सो गाइस ओ यार मुंबई से बाइक पे आए। हाँ भाई यहाँ पे रुके हैं फोटोज क्लिक करने के लिए अंशुल भाई और मैं, तो एक मदद अच्छी हो ये हो जा रही है कि फोटोज क्लिक करने में दिक्कत नहीं हो रही है। और पीछे जो आप लोग देख रहे हो व्यू, अभी आपको इसमें दिख रहा नहीं है बिकॉज अपना फ़ोन जो है ना, GoPro बैटरी डेड भाई, GoPro की बैटरी डेड, अभी चार्जिंग पे लगा रखा हूँ। ठीक है सीरियसली, ये होती है राइड भाई, मतलब ये होता है नशा ये करने का, बहुत मज़ा आ गया। ठीक है और पूरा मन भर गया है और अब हम यहाँ से निकलते हैं। ठीक है और अभी अंशुल भाई को पुलिस वालों ने क्या पूछा भाई, मेरे को पूछ
अच्छा भाई जी, भाई जी ने बोला मेरे को जल्दी जल्दी निकलो, बोला आप कहाँ जा रहे हो? अच्छा, मैंने बोला हम फ्रेंड के दोस्त शादी में जा रहे हैं। अच्छा, तो अभी हम लोग शादी में निकलते हो? पता नहीं किसकी है, पता नहीं किसकी। और सच में शादी थी। हेलो, अभी हम पहुंच चुके हैं अपने होटल पे। तो हमारा भाई पहली बार एक बंकर रूम में रहने वाला है कुछ पार्टनर्स के साथ, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भाई, ठीक है। फ़िलहाल मैं अभी आप लोगों को अपने रूममेट से मिलाता हूँ। अगर हाय किए तो ठीक है, नहीं किए तो कोई बात नहीं। मैंने ग्लव्स ले लिया है, ये ले लिया है।